हेलो एवरीवन, दिस वीडियो इज़ बेस्ड ऑन अ स्टोरी अबाउट ऑफ हिटलर विद टॉपिक ऑफ हिटलर राइज टू पावर। सो लेट्स स्टार्ट दिस इमेज ऑफ एडोल्फ हिटलर। एडोल्फ हिटलर बॉर्न इन 1889 इन ऑस्ट्रिया। इन 1919 ही ज्वाइन अ स्मॉल ग्रुप कॉल्ड जर्मन वर्कर्स पार्टी। He subsequently took over the organization and renamed it the National Socialist German Workers Party. This party came to be known as the Nazi Party. In 1923, Hitler planned to seize control of Bavaria, march to Berlin and capture power. After 1929, banks collapsed and businesses shut down. Workers lost their jobs and the middle classes were threatened with destitution. In 1928, the Nazi Party got no more than 2.6% votes in the Reichstag, the German Parliament. जब हिटलर का उदय हुआ उसके बारे में ये स्टोरी है कि अर्थव्यवस्था, राजनीति और समाज में जो संकट उस समय घराता जा रहा था उसमें हिटलर का जो सत्ता में पहुंचने का जो रास्ता था वो साफ हो गया। 1889 में ऑस्ट्रिया में जन्मे जो हिटलर थे उनकी जो युवावस्था थी बेहद गरीबी में गुजरी थी। रोजी रोटी का कोई जरिया न होने के कारण फर्स्ट वर्ल्ड वार की स्टार्टिंग में ही हिटलर ने अपना नाम फौज की भर्ती में लिखवा दिया था। भर्ती के बाद उसने जितने भी मोर्चे, सबसे पहले के अग्रिम मोर्चे थे पर संदेशवाहक का काम किया, कारपोरल बना और बहादुरी के लिए उसने कुछ तमगे भी हासिल किए। जर्मन सेना की पराजय ने तो उसे हिला दिया था लेकिन वर्साई की संधि ने उसे आग बबूला कर दिया। 1919 में उसने जर्मन वर्कर्स पार्टी नामक एक छोटे से समूह की सदस्यता ले ली और धीरे धीरे उसने इस संगठन मीन्स जो जर्मन वर्कर्स पार्टी थी इस पर अपना नियंत्रण कायम कर लिया और उसे नेशनल सोशलिस्ट पार्टी का नया नाम दिया और इसी पार्टी को बाद में नाजी पार्टी के नाम से जाना गया। 1923 में हिटलर ने बवेरिया पर कब्जा करने और बर्लिन पर चढ़ाई करने और सत्ता पर कब्जा करने की योजना बना ली और इन दुस्साहसिक योजनाओं में वह असफल रहा। हिटलर को गिरफ्तार कर लिया गया और उस पर देशद्रोह का मुकदमा भी चला लेकिन कुछ समय बाद उसे रिहा कर दिया गया। नासी राजनीतिक खेमा जो 1930 के दशक के शुरुआती सालों तक जनता को बड़े पैमाने पर अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर पाई थी लेकिन जब महामंदी का दौर था उस समय नाजीवाद ने एक जन आंदोलन का रूप ग्रहण कर लिया। जैसा कि हम पहले देख चुके हैं कि 1929 के बाद जो बैंक थे वो दिवालिया हो चुके थे, काम धंधे बंद हो रहे थे और मजदूर जितने थे वे सभी बेरोजगार हो रहे थे और जो मिडिल क्लास था वो लाचारी और भुखमरी का डर सता रहा था। नासी प्रोपोगंडा जो था उसमें लोगों को एक बेहतर भविष्य की उम्मीद दिखाई देती थी। 1929 में नासी पार्टी को जर्मन संसद राइस्टाइक के लिए हुए चुनाव में महज 2.6% ही वोट मिल पाए थे। अब यहाँ एक बाई 1932 इट हैड बिकम द लार्जेस्ट पार्टी विथ 37% वोट्स और 1932 तक आते आते यह देश की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी थी और उसे 37% वोट मिले। यहाँ मैंने एक नया वर्ड यूज़ किया, प्रोपेगेंडा, नाजी प्रोपेगेंडा। तो प्रोपेगेंडा मीन्स sacrifice type of message directly aimed at influencing the opinion of people through the use of poster, films, speeches, etc. जो propaganda शब्द है इसमें जनता को प्रभावित करने के लिए किया जाने वाला एक खास तरह का प्रचार था जिसमें इस प्रचार में जो नासी थे वो पोस्टर, फिल्म और भाषण के माध्यम से लोगों को जनमत को प्रभावित करने की कोशिश करते थे। हिटलर वाज ए पावरफुल स्पीकर। जो हिटलर था वो एक ज़बरदस्त वक्ता था। यहाँ एक इमेज है, ये न्यूरेमबर्ग रैली जो कि 1936 में हुई थी उसके बारे में है। और ये जो रैली थी, इस तरह की रैली हर साल आयोजित की जाती थी। नाजी सत्ता अपने प्रदर्शन इन रैलियों का एक महत्वपूर्ण आयाम होता था। जो विभिन्न संगठन होते थे हिटलर के सामने से परेड करते हुए निकलते थे और उसके प्रति जो निष्ठा की शपथ लेते थे और उसके भाषण को सुनते थे।
हिटलर जैसा कि मैंने बताया कि एक बहुत ही पावरफुल स्पीकर था, उसका जोश और उसके शब्द लोगों को हिलाकर रख देते थे। वह अपने भाषणों में एक शक्तिशाली राष्ट्र की स्थापना और वर्साय की संधि में जो नाइंसाफी हुई थी उसके प्रतिशोध के लिए और जर्मन समाज की खोई हुई जो प्रतिष्ठा थी उसको वापस दिलाने का वो आश्वासन दिया करता था। हिटलर का वादा था कि वह बेरोजगारों को रोजगार दिलाएगा और नौजवानों को एक सुरक्षित भविष्य देगा। उसने यह भी आश्वासन दिया कि वह देश को विदेशी प्रभाव से मुक्त कराएगा और तमाम विदेशी साजिशों का मुंह तोड़ जवाब देगा। ऐसा ही एक सेकेंड ये इमेज है जो कि हिटलर एड्रेसिंग ऐसे एंड एसएस कॉलम्स। इस इमेज को अगर ध्यान से देखें तो इसमें हिटलर द्वारा ऐसे और एसएस कतारों के सामने जो भाषण देता था उसके बारे में है। यहाँ लंबी और सीधी कतार दिखाई दे रही है। इस तरह के चित्रों से माध्यम से नाजी सत्ता की जो भव्यता और ताकत थी इसको दर्शाने की कोशिश की गई है। हिटलर ने राजनीति में एक नई शैली रची थी। वह लोगों को गोलबंद करने के लिए आडंबर और प्रदर्शन की अहमियत समझता था। हिटलर के प्रति जो समर्थन लोगों के तरफ से मिल रहा था उसको दिखाने के लिए और लोगों में परस्पर एकता का भाव पैदा करने के लिए नाज़ियों ने बड़ी बड़ी रैलियां और जनसभाएं आयोजित की थी। और ये जो स्वास्तिक, यहाँ ये जो इमेज है ये स्वास्तिक का चिन्ह है। यहाँ भी आप देख सकते हैं बड़े बड़े जो छपे लाल झंडे थे ये रेड कलर का है। एक्चुअली ये इमेज ब्लैक एंड वाइट है लेकिन एक्चुअली इसका जो कलर है लाल झंडे पे स्वास्तिक का चिन्ह होता था। नाज़ी सैल्यूट और भाषणों के खास अंदाज में तालियों के गड़गड़ाहट से ये सारी चीज़ें शक्ति प्रदर्शन का हिस्सा हुआ करती थी। नाज़ियों ने अपने धुआंधार प्रचार के जरिए हिटलर को एक मसीहा घोषित करवा दिया था। एक रक्षक की तरह लोग उसको एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देख रहे थे जिससे मानव जनता को तबाही से उबारने के लिए ही अवतार लिया हो। एक ऐसे समाज को एक यह छवि बहुत ही अट्रैक्ट कर रही थी जिसकी प्रतिष्ठा और गर्व का एहसास लोगों को राजनीतिक उन लोगों को जो कि आर्थिक और राजनीतिक संकट से गुजर रहे थे उनको हिटलर के रूप में एक मसीहा दिख रहा था जो उनको इन सभी परेशानियों से इन सभी समस्याओं से निकालने आया था। नेक्स्ट, द डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी। ऑन 30 जनवरी 1933 प्रेसिडेंट हिडनबर्ग ऑफर्ड द चांसलरशिप एंड द चांसलरशिप द हाईएस्ट पोजीशन इन द कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर टू हिटलर। द फायर डिक्री ऑफ 28 फरवरी 1933 इनडेफिनेटली सस्पेंडेड सिविक राइट्स लाइक फ्रीडम ऑफ स्पीच प्रेस एंड असेंबली दैट हैड बीन गारंटीड बाय द वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन। ऑन 3 मार्च 1933 द फेमस इनेबलिंग एक्ट वॉज पास्ड। दिस एक्ट इस्टेब्लिश्ड डिक्टेटरशिप इन जर्मनी। जो लोकतंत्र था, डेमोक्रेसी का डिस्ट्रक्शन हो रहा था, विध्वंस था, उसके बारे में यहाँ बताया गया है कि 30 जनवरी 1933 को राष्ट्रपति जो हिडनबर्ग थे उन्होंने हिटलर को चांसलर का पद भार संभालने का न्योता दिया, ऑफर किया उनको। और यह जो था ये चांसलरशिप जो थी ये हाईएस्ट पोजीशन थी कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर की जो कि हिटलर को हिडनबर्ग ने ऑफर किया था। तब तक जो नासी पार्टी थी रूढ़िवादियों को भी अपने उद्देश्यों से जोड़ चुकी थी। सत्ता हासिल करने के बाद हिटलर ने जो लोकतांत्रिक शासन की संरचना और संस्थानों को भंग करना शुरू कर दिया। फरवरी माह में जर्मन की संसद जो राइस्टाग है वहाँ हुए जो रहस्यमय अग्निकांड थे उससे उसका रास्ता और आसान हो गया। 28 फरवरी 1933 को जो जारी किया गया जो फायर डिक्री थी उसके जरिए अभिव्यक्ति, प्रेस एवं सभा करने की आज़ादी जैसे नागरिक अधिकारों को अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर दिया गया। वाइमर संविधान में इन अधिकारों को काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। इसके बाद हिटलर ने अपने जो कट्टर शत्रु थे कम्युनिस्टों पर निशाना साधा। ज़्यादातर कम्युनिस्टों को रातों रात कंसंट्रेशन कैंपों में बंद कर दिया गया। कम्युनिस्टों का बर्बर दमन किया गया। और 3 मार्च 1933 को प्रसिद्ध इनेबलिंग एक्ट पारित किया गया। इस कानून के जरिए जर्मनी में बाकायदा तानाशाह स्थापित कर दिया गया और इस कानून ने हिटलर को संसद के हाशिए पर ढकेलने और
केवल अध्यादेश के जरिए शासन चलाने का निरंकुश अधिकार प्रदान कर दिया। नाजी पार्टी और उससे जुड़े जो संगठन थे उनके अलावा सभी राजनीतिक पार्टियां और ट्रेड यूनियनों पर पाबंदी लगा दी गई। अर्थव्यवस्था, मीडिया, सेना और न्यायपालिका पर राज्य का पूरा नियंत्रण स्थापित हो गया। रिकंस्ट्रक्शन। हिटलर असाइंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इकोनॉमिक रिकवरी टू द इकोनॉमिस्ट हाजमल सैप्ट who aimed at full production and full employment through a state-funded work creation program. This project produced the famous German superhighways and the people's car, the Volkswagen. He pulled out the League of Nations in 1933, reoccupied the Rhineland in 1936, and integrated Austria and Germany in 1938 under the slogan One Peace, One Empire and One Leader. जो पुनर्निर्माण का काम हुआ, हिटलर ने अर्थव्यवस्था को पटले पर लाने की जिम्मेदारी अर्थशास्त्री जो हॉलमर शाक थे उनको सौंप दिया। शाक ने सबसे पहले सरकारी पैसे से चलाए जाने वाले जो रोजगार संवर्धन के कार्यक्रम थे जिससे रोजगार को बढ़ावा मिले, उनको उन्होंने 100% उत्पादन और 100% रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य तय किया। मशहूर जर्मन सुपर हाईवे और जनता की कार फॉक्सवैगन इस परियोजना की ही देन थी, जिसमें जो हॉल अर्थशास्त्री इकोनॉमिक्स थे हॉलमार साक, उन्होंने इन जो सरकारी पैसे चलाए जाने वाले जो रोजगार को बढ़ाने वाले कार्यक्रम थे उसी का ये परियोजना देन थी, सुपर हाईवे और जनता की फॉक्सवैगन। विदेश नीति के मोर्चे पर भी हिटलर को फौरन कामयाबियां मिलती गईं। 1933 में उसने लीग ऑफ नेशन से पल्ला झाड़ लिया और 1936 में राइनलैंड पर दोबारा कब्जा किया और एक जो स्लोगन था वन पीपल वन एम्पायर एंड वन लीडर, मीन्स एक जन एक साम्राज्य और एक नेता का नारे के आड़ में उसने 1938 में ऑस्ट्रिया को जर्मनी में मिला लिया। इसके बाद उसने चेकोस्लोवाकिया को भी कब्जे वाले जो जर्मन भाषी सुडेंटलैंड क्रांत पर कब्जा किया और फिर पूरे चेकोस्लोवाकिया को हड़प लिया। इस दौरान उसे इंग्लैंड का खामोश समर्थन मिल रहा था क्योंकि इंग्लैंड की नज़र में वर्सायी की जो संधि थी के नाम पर जर्मनी के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी हुई थी ये इंग्लैंड मानता था, इसलिए इंग्लैंड उसको एक खामोश समर्थन दे रहा था। नेक्स्ट, यहाँ एक मैप है, इसे ध्यान से देखिए। इस मैप में नाजी सत्ता का जो विस्तार था जो कि यूरोप में 1942 में हुआ था वो यहाँ शो किया गया है। ये यहाँ जो ऑरेंज वाला एरिया है, ये ऑरेंज एरिया ग्रेटर जर्मनी का है, वैसे ही ये नेक्स्ट सॉरी येलो एरिया, और ये जो ऑरेंज एरिया है ये है पावर कोऑपरेटिंग विथ द एक्सिस, और ये नेक्स्ट जो पिस्ता ग्रीन कलर में ये जो है ये सब एरियाज हैं, ये सब हैं टेरिटरीज अंडर जर्मन ऑक्यूपेशन। और फिर ये लाइट ग्रीन कलर का जो ये एरिया है ये इटली एंड इस टेरिटरीज हैं, और पर्पल कलर के जो ये जो एरियाज हैं ये न्यूट्रल कंट्रीज हैं जो कि बिल्कुल तटस्थ थे। इस प्रकार से इस मैप में जो नाजी सत्ता का विस्तार पूरे यूरोप में 1942 में हुआ वो यहाँ शो किया गया कि किस तरीके से पूरे यूरोप में नाजी सत्ता अपना वर्चस्व स्थापित कर चुकी थी। इन सेप्टेम्बर 1939 जर्मनी इन्वेटेड पोलैंड, दिस स्टार्टेड अ वार विथ फ्रांस एंड इंग्लैंड। इन सेप्टेम्बर 1940 अ त्रिपार्टी पैक्ट वॉज साइंड बिटवीन जर्मनी, इटली एंड जापान, स्ट्रेंथनिंग हिटलर्स क्लेम टू री इंटरनेशनल पावर। बाय द एंड ऑफ 1940 हिटलर वॉज एट द पिनेकल ऑफ हिज पावर, ही अटैक्ड द सोवियत यूनियन इन जून 1941। मीनवाइल द यूएसए हैड रेसिस्टेड इन्वॉल्वमेंट इन द वॉर। फिर यहाँ पे ये बताया गया है कि
1939 में आफ्टर एक्सपेंशन ऑफ नाजी पावर हिटलर रुका नहीं। साथ ने हिटलर को सलाह भी दी कि सेना और हथियारों पर ज़्यादा पैसा खर्च न किया जाए क्योंकि सरकारी बजट अभी भी घाटे में ही चल रहा था। लेकिन नाजी जर्मनी में एहतियात पसंद लोगों के लिए कोई जगह नहीं थी। साख्त को उनके पद से हटा दिया गया। हिटलर ने आर्थिक संकट से निकलने के लिए युद्ध का विकल्प चुना। वह राष्ट्रीय सीमाओं का विस्तार करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा संसाधन इकट्ठा करना चाहता था और इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए हिटलर ने सितंबर 1939 में उसने पोलैंड पर हमला कर दिया और इसकी वजह से फ्रांस और इंग्लैंड के साथ भी उसका युद्ध शुरू हो गया। सितंबर 1940 में जर्मनी ने इटली और जापान के साथ एक त्रिपक्षीय संधि पर हस्ताक्षर किया और इस संधि से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में हिटलर का दावा और मजबूत हो गया। यूरोप के ज़्यादातर देशों में नाजी जर्मनी का समर्थन करने वाली कठपुतली सरकारें बिठा दी गईं जो केवल नाजियों का या हिटलर के फेवर में हुआ करती थी। 1940 के अंत में हिटलर अपनी ताकत के शिखर पर था। अब हिटलर ने अपना सारा ध्यान पूर्वी यूरोप को जीतने के दीर्घकालिक सपने पर केंद्रित कर दिया। वह जर्मन सत्ता के लिए संसाधन और रहने की जगह का इंतजाम करना चाहता था। जून 1941 में उसने सोवियत संघ पर हमला किया। यह हिटलर की एक ऐतिहासिक बेवकूफ़ी थी। इस आक्रमण से जर्मन जो पश्चिम मोर्चा था ब्रिटिश वायु सैनिकों के बमबारी के चपेट में आ गया, जबकि पूर्वी मोर्चे पर सोवियत सेनाएं जर्मनियों को एक बहुत बुरी तरीके से हरा रही थी। सोवियत लाल सेना से स्टालिनग्राद में जर्मन सेना को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। सोवियत लाल सैनिकों ने पीछे हटते जर्मन सिपाहियों का आखिर तक पीछा किया और अंत में वे बर्लिन के बीचों बीच जा पहुँचे और इस घटनाक्रम ने अगली आधी सदी के लिए पूरे समूचे पूर्वी यूरोप को सोवियत वर्चस्व स्थापित कर दिया। अमेरिका इस युद्ध में फंसने से लगातार बचता रहा। अमेरिका पहले विश्व युद्ध की वजह से पैदा हुई आर्थिक समस्या को दोबारा नहीं झेलना चाहता था, लेकिन वह लंबे समय तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर से भी दूर नहीं रह सका। पूरब से जापान की ताकत फैलती जा रही थी और उसने फ्रेंच इंडो चाइना पर भी कब्जा कर लिया। प्रशांत महासागर में अमेरिकी नौसैनिक ठिकानों पर हमले की पूरी योजना बना ली। जब जापान ने हिटलर को समर्थन दिया और पर्ल हार्बर पर अमेरिकी ठिकानों को बमबारी का निशाना बनाया तो अमेरिका भी दूसरे विश्व युद्ध में कूद पड़ा। यह युद्ध मई 1945 में हिटलर की पराजय और जापान के हिरोशिमा शहर पर अमेरिकी परमाणु बम गिराने के साथ खत्म हुआ। सो I hope all of you have understood the concept of today. Thank you for watching.